एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दुर्घटना के बारे में। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो प्लेन से दुर्घटना होने की संभावनाओं के बारे में, जिसे हम एयर क्रैश क्रैश कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि दुर्घटना के लिए जातक के कुंडली में कौन सा भाव हमें देखना चाहिए। जातक को कुंडली में अष्टम भाव में जो राशि है स्थित होती है, उसी के अनुसार जीवन में दुर्घटना घटती है। अब हम प्लेन से दुर्घटना होने के संबंध में बात करते हैं, तो इसके लिए हमें वायु तत्व की राशियों को देखना होता है। और वायु तत्व की राशियों पे मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु का अगर प्रभाव होता है तो हमें दुर्घटना में अर्थात हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो राहु केतु अचानक दुर्घटना करवाते हैं और इनका संबंध जब अष्टम भाव अष्टमेश से होता है तथा वायु तत्व की राशियां जब अष्टम भाव में होती है वो है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जब इनका संबंध बनता है अष्टम भाव से और साथ साथ में आयु भाव का जो कारक भाव है वो द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय और सप्तम भाव का सप्तमेश, द्वितीय और सप्तमेश का जब संबंध अष्टमेश से होता है, अष्टम भाव के स्वामी से होता है और तथा नवमेश का संबंध अष्टमेश से होता है, तो यात्रा के दौरान जातक के दुर्घटना होती है। ये जब संभव है, ये दुर्घटना जब घटित होगी, जब कथित ग्रहों की अष्टमेश की, द्वितीयेश की, सप्तमेश की, नौमेश की दशा अंतरदशा आएगी तब ये दुर्घटना घटित हो सकती है। और इसमें अगर राहु केतु का अगर संबंध बनता है, ऊपर बताए हुए संबंधों में राहु केतु का भी साथ बन जाता है तथा घटनाकारक ग्रह भी साथ में आ जाते हैं तब इस दशा अंतरदशा में जातक की दुर्घटना हो सकती है। इस तरह हम जान सकते हैं कि जब वायु तत्व की राशियों का संबंध अष्टम भाव से होता है और वो दुर्घटना कारक ग्रहों और भावों से उनका संबंध बनता है तो जातक की प्लेन से दुर्घटना होने के संभावनाएं बन जाती है। धन्यवाद।